जमीन पर ही लेटना
गंदा है, गंदा है। ना साफ सफाई, ना वहाँ पर पानी, ऐसे शौचालय का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ऐसा करो, उस बिल्डिंग के पीछे चले जाओ और वहाँ से ले आ जाओ। दीदी ऐसे खुले में अब क्या करें, जो है वो हम बता रहे हैं, वही जाना पड़ेगा तुमको। कल जहाँ हम अपनी जांच करवाने के लिए गए थे, वहाँ बहुत समस्याएं हैं। वहाँ जांच के लिए ना ही तखत है, ना ही पर्दा है। पता नहीं वहाँ सभी गर्भवती महिलाओं को इतनी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। पता नहीं वहाँ ऐसा क्यों है, कोई व्यवस्था नहीं। क्या सभी गर्भवती महिलाओं के साथ ऐसा होता होगा? क्या उन्हें कभी साफ स्वच्छ शौचालय नहीं मिलता होगा? इससे तो वे और बीमार हो जाएंगी और हो सकता है कि उनका बच्चा भी कुपोषित हो। कुपोषित हो, कुपोषित हो। हमने सुना है कि हमारे गांव के प्रधान जी इस बारे में कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। आप मेरी उनसे बात करवा दीजिए। अरे तुम क्या करोगी बात, हम खुद कर लेंगे जाके। ये महिलाओं से जुड़ी समस्या है, आप हमारी बात करवा दीजिए। ठीक है तो चलो आप। राम राम प्रधान जी। राम राम पप्पू, राम राम, कैसे हो? ठीक है प्रधान जी। और कैसे आना हुआ? अरे जो हमारी घरवाली है ना, इन्हें कुछ दिक्कत हो रही थी। क्या दिक्कत हो गई? तो उन्हें बुलाए के लान पड़ो, पूछने ही नहीं क्या बात है। हाँ बिटिया, ठीक ठाक तो? नहीं प्रधान जी, कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ? कल मैं गर्भवती हूँ और कल मैं अपना टीका लगवाने टीकाकरण केंद्र पर गई थी। वहाँ न ही जांच कराने के लिए तखत, न पर्दे, सब देखते हैं, सब खुले में होता है। शौचालय भी इतना गंदा जिसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। न शौचालय में पानी की व्यवस्था, न साफ सफाई। पता नहीं गांव की बाकी महिलाओं ने आपसे इस बारे में क्यों नहीं कहा। कोई महिला है तो आई नहीं आती हमारे पास, जो तुम्हारे शिकायत लेके ऐसी दिक्कत आई उन्हें, जो तुम मेरे पास आई हो। अब मेरी हमें पता लगाना ये दिक्कत हुई रही है। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बताओ कि वहाँ दिक्कत ऐसी है, परेशानी है, साफ सफाई नहीं है बिल्कुल भी। ये तो सब आंगनबाड़ी दीदी का उनका काम था, साफ सफाई क्या है उन्हें कुछ बता ही नहीं हमें। अभी लो आंगनबाड़ी को फोन कर रहे हैं उन्हें, महिला अभी बुलाए रहे उन्हें यार। आप नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार नमस्कार, कहाँ हैं आप? आई हम तो घर पे हैं। क्या घर पे कहा कर नहीं रहा हमें, तो काम है थोड़ा, ब्लॉक पे आ जाओ। ठीक है, आ रहे हैं। आओ आओ, हाँ आए आते हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार नमस्कार, क्यों बुलाया आपने हमें? कुशल मंगल सब? हाँ सब ठीक है। क्या बताओ, आंगनबाड़ी में कहा है सफाई पाई नहीं हो रही? अरे प्रधान जी हम क्या बताएं, वहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं है ठीक से। क्या नहीं व्यवस्था बताई? अरे वहाँ, अरे बताई क्या, और सफाई करने वाला इतने दिन से आए नहीं तो हम आपको क्या खबर करते। और फिर वहाँ पे पर्दे नहीं है, ये तो सुना था हमने, लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं था। आपने फोन किया तो हम आपके पास चले आए। अरे व्यवस्था नहीं, आए नहीं गाँव की महिला हमारे पास, व्यवस्था नहीं है, दिक्कत हो रही है। हाँ बताया प्रधान जी, बताया तो था, वहाँ पर्दे नहीं है, तखत नहीं है, सफाई नहीं है, तो आप किसी को भेज दो वहाँ पे। साफ सफाई का क्या, वहाँ गंदगी फैली है सब, तो आप किसी सफाई कर्मचारी को भेजो, वहाँ की सफाई करवाओ। रमेश लगो है, उन बोना ही होगा। अरे प्रधान जी वहाँ कोई नहीं है। अरे यार अभी रमेश कर रहे हैं। प्रधान जी राम राम। राम राम रमेश, कहाँ हो? गाँव में है। क्या कर रहे? अरे झाड़ू लगा रहे पिछले वाले गाँव में। ठीक है लगा के हमारे पास आओ जरा। ठीक है प्रधान जी, आ रहे हैं प्रधान जी। राम राम। राम 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 राम, क्या कर रहे थे? अरे पिछले गांव में झाड़ू लगाए रहे थे। पिछले आंगनबाड़ी में कौन लगाई है जा? अरे पता ही नहीं थी कि वहाँ में लगी कि नहीं लगी। काम लगाए हों जा, काम किसको है? हमारो है, हम कर दिए। हमारा तुम लोग बहुत नालायकी करने लगे। कौन जाए क्या, अभी साफ सफाई करो जाए। गाँव की महिलाएं आए नहीं है, शिकायत कर रही साहब। अच्छा ठीक है प्रधान, जाओ। अब हमारी आंखें खुल गई हैं, हम गांव के प्रधान हैं,
तो हमारा ये दायित्व बनता है कि गांव की सभी महिलाओं को, गांव की सभी महिलाएं जिनको परेशानी है उनका हम निवारण करें। एक तरह से प्रधान का काम होता है गाँव, वो एक तरह राजा है प्रधान गाँव का, राजा का काम ही है प्रजा की सेवा करना। तो मेरा भी दायित्व बनता है कि हम प्रजा की सेवा करें, जो भी उन्हें कोई भी दिक्कत है उनका समाधान निकालें। शासन द्वारा हमें बहुत सी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं जो संता के जनता को हम नहीं दे पाते हैं। तो हर प्रधान का एक दायित्व बनता है कि वो जनता जनता से सामने सम्मुख प्रस्तुत हो, अपना उसकी बातों को सुने और उसका निवारण निकालें। सही बात प्रधान जी, जब BHND सशक्त होगा तभी तो गाँव कुपोषण मुक्त होगा। आप सभी मेरे साथ नारा लगाइए और शपथ लीजिए कि BHND को सशक्त करेंगे, गांव कुपोषण मुक्त करेंगे, BHND को सशक्त करेंगे, गांव कुपोषण मुक्त करेंगे, BHND को सशक्त करेंगे, गांव कुपोषण मुक्त करेंगे। पोषण का दीप जला कर से नंदी अपना कर चलाए हमें साथ मिले कर, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत।